Hello students, so in this part we were going to discuss next injunction, next type of injunction, that is mandatory injunction. Section 39 of Specific Relief Act discuss the mandatory injunction. Mandatory injunction generally, jo maine aapko pehle bhi bataya tha, that mandatory injunction is such kind of injunction in which the court tells the defendant to do some act to prevent the plaintiff's right. Aye, dekhte hain. In this, the court compel the defendant to do some act to prevent the plaintiff's right. As I told you, in this, the court compel kar sakti hai defendant ko kuch act karne ke liye. Permanent injunction mein court प्रिवेंट करती है डिफेंडेंट को कि वो एक्ट नहीं करेगा, लेकिन मैंडेटरी इंजंक्शन में कंपेल करती है डिफेंडेंट को कि तुम ये एक्ट करो टू प्रिवेंट द प्लेंटिव्स राइट. ऐसा एक्ट करो, वो कोर्ट बताती है कि क्या करना है, ऐसा एक्ट करो ताकि प्लेंटिव के राइट को बचाया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके. इस मैंडेटरी इंजंक्शन के कुछ एसेंशियल्स हैं, दो एसेंशियल्स हैं. पहला एसेंशियल है द कोर्ट हैज टू डिटरमाइन व्हाट एक्ट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द राइट ऑफ प्लेंटिव. यहां पर कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट डिटरमाइन करेगी कि कौन सा एक्ट जरूरी है, नेसेसरी है टू प्रिवेंट द राइट ऑफ प्लेंटिव. कौन सा एक्ट नेसेसरी है जो डिफेंडेंट ने करना है टू प्रिवेंट द राइट ऑफ प्लेंटिव. ये पहला एसेंशियल है. सेकेंड एसेंशियल इज The act must be of such nature. The act must be of such nature which the court is capable to enforce. ऐसे nature का act होना चाहिए जिसे court करा सकती हो, court enforce करा सकती हो, जिसे court enforce करा सकती हो. ऐसे act, ऐसा nature होना चाहिए उस act का जो defendant से court कराना चाहती है. यहां पर हम एग्जाम्पल के तौर पर जुरिस्डिक्शन देख सकते हैं. लेट सपोज कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है वो एक्ट करा लेने की, इन्फोर्स कराने की. लेट सपोज जिस प्रॉपर्टी पे एक्ट कराना है वो प्रॉपर्टी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है, वगैरह वगैरह. सो मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन भी हो सकती है इसमें. सो ऐसे नेचर का एक्ट जो कोर्ट केपेबल ही नहीं है इन्फोर्स कराने के लिए, ऐसे नेचर का एक्ट कोर्ट इन्फोर्स नहीं करा सकती. तो वो एक्ट ऐसे नेचर का होना चाहिए जो कोर्ट इन्फोर्स करा सकती हो, तो ही ये दूसरा एसेंशियल है. ये दोनों एसेंशियल पूरे होने चाहिए मैंडेटरी इंजंक्शन के ऑर्डर करने के लिए. नेक्स्ट हम करेंगे कि मैंडेटरी इंजंक्शन कोर्ट कब ग्रांट नहीं कर सकती. नो मैंडेटरी इंजंक्शन इज ग्रांटेड व्हेन. सो इसमें हम देखेंगे कि ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स जो कहते हैं कि अगर ये पॉइंट सामने आ जाते हैं तो कोर्ट कैन नॉट ग्रांट मैंडेटरी इंजंक्शन. सो नो मैंडेटरी इंजंक्शन इज ग्रांटेड, no mandatory injunction is granted by court when first compensation in terms of relief is an adequate relief to plaintiff. Agar jo act, jo mandatory injunction ka act court ne karwana hai defendant se, uski jagah par compensation in money diya ja sakta hai aur wo ek adequate relief hai plaintiff ke liye, to wahan par court mandatory injunction ko ka option opt nahi karti. Wahan par court adequate relief in money terms प्लेंटिव को दे सकती है टू प्रोटेक्ट हिज राइट बाय द डिफेंडेंट. सो कंपनसेशन इन टर्म्स ऑफ रिलीफ इज एन एडिकेट रिलीफ टू प्लेंटिव, देन नो मैंडेटरी इंजंक्शन इज ग्रांटेड. नेक्स्ट, व्हेन बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इज इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट. सो मैंडेटरी इंजंक्शन तब ग्रांट नहीं हो सकती जब बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस डिफेंडेंट के फेवर में हो. बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का यह मतलब है कि मैंडेटरी इंजंक्शन कोर्ट ये नहीं कह सकता कि आप ऐसे एक्ट करो प्लेंटिव के राइट को बचाने के लिए, इन्फ्रिंज होने से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए आप ऐसे एक्ट करो. लेट सपोज ये एक्ट जो कोर्ट कहने वाली है, जो करने वाली मैंडेटरी इंजंक्शन में, दैट एक्ट इज डिपेंड अपॉन सम पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ डिफेंडेंट, सम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ डिफेंडेंट. सो उस केस में कोर्ट कांट से टू डिफेंडेंट, इट इज द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इट इज अ कन्वीनियंस ऑफ द डिफेंडेंट टू डू टू हाउ टू डू द एक्ट एंड प्रिवेंट द राइट ऑफ द प्लेंटिफ.
So if the balance of convenience is in the favor of defendant, then no mandatory injunction is granted by the court. Next point is, where plaintiff is guilty of permitting the defendant to do wrongful act before coming to the court. Court mein aane se pehle, plaintiff ne khud hi defendant ko koi wrongful act karne ko kaha hai. खुद ही प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को कोई रॉन्गफुल एक्ट करने को कहा था, जिससे प्लेंटिफ की राइट, प्लेंटिफ का राइट इन्फ्रिंज हुआ और अब वो कोर्ट में आ रहा है उस राइट को बचाने के लिए. तो वहां पर कोर्ट मैंडेटरी इंजंक्शन उसे ग्रांट नहीं कर सकती. इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है, धनिया बाई वर्सेस जीवन, AIR 2003, MP, मध्य प्रदेश 71. सो इस केस के अंदर देर आर टू पर्सन, वो ब्रदर सिस्टर होते हैं. सो ब्रदर इज लिविंग एट सम प्लेस, वो एक जगह पर रहता होता है, वहां पर उसकी सिस्टर भी उसके साथ में घर बनाना चाहती है. सो ब्रदर उसकी पूरी हेल्प करता है अपनी सिस्टर की साथ में घर बनाने के लिए. जब बात आती है कि घर एडजेसेंट है, और एडजेसेंट घरों में जनरली दीवाल जो है वो अलग अलग होती है, एडजेसेंट होते हैं, एक साथ होते हैं घर, लेकिन दीवार अलग अलग होती है. तो वहां पर ब्रदर होता है वो, तो वो कहता है कि ठीक है, एक ही दीवार पर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दो. जब प्लेंटिफ यानी कि ब्रदर उसको खुद ही ये बात कहता है, बाद में फिर वो खुद ही कोर्ट के पास जाता है और कहता है कि नहीं, अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया है ये मेरी राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, इन्होंने अपनी खुद की दीवार नहीं बनाई, एडजेसेंट दीवार बिल्कुल बना दी, तो मैंडेटरी इंजंक्शन लगाया जाए, उस स्ट्रक्चर को तोड़वाया जाए, उसको कहा जाए. तो वहां पर कोर्ट जो है मैंडेटरी इंजंक्शन का ऑर्डर नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पर प्लेंटिफ ने खुद ही परमिट किया है डिफेंडेंट को ऐसा एक्ट करने के लिए. सो इस केस को आप रेफर कर सकते हैं इस पॉइंट के साथ. नेक्स्ट पॉइंट इज, वेयर इट इज डिजायर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट ऑफ थिंग्स, जहां पर कुछ नया बनाने की बात है, वहां पर भी कोर्ट मैंडेटरी इंजंक्शन ऑर्डर नहीं कर सकती. जैसे कि यहां पर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि परमानेंट इंजंक्शन में वो होता है कि कोई भी एक्ट होने जा रहा है उसे कोर्ट प्रिवेंट करती है. मैंडेटरी इंजंक्शन में कोई भी रॉन्गफुल एक्ट हो चुका है जो प्लेंटिफ की राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, उसे डिफेंडेंट के एक्ट के द्वारा प्लेंटिफ ऑर्डर करती है कि ये करो और प्लेंटिफ के राइट को बचाओ, करने को बोलती है वहां पर, प्रिवेंट करने को बोलती है, ना करने को बोलती है, यहां पर कुछ एक्ट करने को बोलती है, लेकिन कोई भी एक्ट ऐसा नहीं करने को बोलती जिससे कुछ नया क्रिएट. इसके लिए एक केस को हम रेफर करते हैं, शिवनाथ वर्सेस अली, इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है. इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर एडजेसेंट हाउस होते हैं, वहां पर डिफेंडेंट का घर ऐसा बना होता है कि प्लेंटिफ कोर्ट के पास, लोअर कोर्ट के पास जाकर ये कहता है कि जो डिफेंडेंट का घर बना हुआ है वहां से मेरी प्राइवेसी इन्फ्रिंज होती है, मेरी प्राइवेसी इन्फ्रिंज होती है उसके घर के स्ट्रक्चर से. तो कोर्ट वहां पर ये ऑर्डर करती है डिफेंडेंट को, दूसरी पार्टी को, कि आप अपने छत के ऊपर एक नई वॉल क्रिएट कर दें ताकि वहां से इनकी प्राइवेसी इन्फ्रिंज ना हो. हाई अपर कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ये बात कहती है कि नहीं, मैंडेटरी इंजंक्शन के अंदर कोई भी एक्ट कोर्ट ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकती. हायर कोर्ट ऐसा कहती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, कि कोई भी एक्ट लोअर कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती जिससे कुछ नई चीज बने, नई स्टेट ऑफ थिंग्स बने, तो वो जो निचली अदालत की, जो अदालत का जो ऑर्डर होता है वो कैंसिल कर देते हैं कोर्ट इसमें. लास्ट पॉइंट इज, व्हेन, यहां पर ध्यान देने की बात है कि मैंडेटरी इंजंक्शन में बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ के ऊपर होता है, परमानेंट इंजंक्शन में बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट के ऊपर होता है, लेकिन यहां मैंडेटरी इंजंक्शन में बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन प्लेंटिफ. बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है कि प्लेंटिफ को यह प्रूफ करना है कि उसका राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, इसलिए कोर्ट डिफेंडेंट को यह एक्ट करने को कहे. सो बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ के ऊपर है. अगर वो बर्डन ऑफ प्रूफ प्रूव नहीं कर पाता, बर्डन ऑफ प्रूफ को प्रूव नहीं कर पाता, तो मैंडेटरी इंजंक्शन ग्रांट नहीं हो सकती इसमें. सो ये हमारा पार्ट मैंडेटरी इंजंक्शन का था. अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर इंजंक्शन कोर्ट के द्वारा ग्रांट की नहीं जा सकती.